हेलो डियर चिल्ड्रन्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी नाइन क्लास सेवन मैथ्स क्वेश्चन नंबर वन सिंप्लीफाई अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है दैट इज फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व रेस टू थ्री रेस टू फोर तो अभी हम लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे दैट इज़ अभी यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करती हूँ यहाँ पे ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन यदि यहाँ पे a रेस टू m दिया है रेस टू n दिया है तभी क्या करना होता है m और n जो इंडेक्स दी गई है वो इंडेक्स का करना होता है मल्टीप्लीकेशन दैट इज़ a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय इस एग्जाम्पल में सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे देआर फोर फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व रेस टू थ्री रेस टू फोर इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व रेस टू थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व रेस टू ट्वेल्व इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं थ्री रेस टू फोर रेस टू माइनस टू अभी यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन देयर फोर थ्री रेस टू फोर रेस टू माइनस टू इक्वल टू थ्री रेस टू फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इक्वल टू थ्री रेस टू माइनस एट यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया हमें थ्री रेस टू माइनस एट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वन अपॉन सेवन रेस टू माइनस थ्री रेस टू फोर अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा यहाँ पे जो इंडेक्स दी गई है इंडेक्स का क्या करना होगा मल्टीप्लीकेशन देयर फोर वन अपॉन सेवन रेस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर इक्वल टू वन अपॉन सेवन रेस टू माइनस ये मिल गया हमें इसका आंसर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं टू अपॉन ऑन फाइव रेस टू माइनस टू रेस टू माइनस थ्री अभी यहाँ पे सेम वही फार्मूला यूज करेंगे दैट इज ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन यानी यहाँ पे क्या किया हमने जो इंडेक्स थे उनका मल्टीप्लीकेशन वही सेम फॉर्मूला यूज करने वाले है टू अपॉन ऑन फाइव रेस टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री इक्वल टू टू अपॉन फाइव रेस टू अभी देखो यहाँ पे दोनों निगेटिव नंबर है दोनों नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे सिक्स दैट इज फाइनल आंसर इज टू अपन फाइव रेस टू सिक्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सिक्स रेस टू फाइ रेस टू फोर अभी यहाँ पे सेम लॉज ऑफ इंडसिस यूज करेंगे दैट इज ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय

रेस टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टू जो दोनों इंडेक्स थे उनका क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू सिक्स अपो ऑन सेवन रेस टू टेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं टू अपो ऑन थ्री रेस टू माइनस फोर रेस टू फाइव देयर फोर लॉज ऑफ़ इंडाइसिस क्या कहता है ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन देयर फोर टू अपॉन थ्री रेस टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव ये जो दोनों इंडेक्स थे उनका क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू टू अपॉन थ्री रेस टू माइनस ट्वेंटी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फाइव अपॉन एट रेस टू थ्री रेस टू माइनस टू देयर फोर फाइव अपॉन एट रेस टू थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इक्वल टू तो फाइव अपॉन एट रेस टू माइनस सिक्स तो अभी यहाँ पे जो दोनों इंडेक्स थे उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया वहाँ पे एक नंबर निगेटिव था इसलिए आंसर निगेटिव मिल गया दैट इज माइनस सिक्स फाइनल आंसर क्या है फाइव अपॉन एट रेस टू माइनस सिक्स नेक्स्ट एग्जांपल है थ्री अपॉन फोर रेस टू सिक्स रेस टू वन अभी लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन देयर फोर थ्री अपॉन फोर रेस टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू थ्री अपॉन फोर रेस टू सिक्स सिक्स वन जिक्स हो गया लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं टू अपॉन फाइ रेस टू माइनस थ्री रेस टू टू देयर फोर लॉज ऑफ इंडासेज यूज़ करेंगे ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन देयर फोर टू 5 फाइव रेस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल टू टू अपॉइन फाइव टू माइनस सिक्स तो अभी यहाँ पे मिल गया हमें फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है टू अपॉइंट सेवन रेस टू माइनस टू अभी यहाँ पे जो इंडेक्स है वो निगेटिव है अभी यहाँ पे जो लॉज ऑफ़ इंडाइसिस वो क्या कहते हैं यदि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो निगेटिव दिया गया होता है और हमें पॉजिटिव इंडाइसिस में उसका कन्वर्जन करना होता है तो ये जो रैशनल नंबर है इसको हम इसका ही हम रेसिप्रोकल राइट डाउन करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से लॉज ऑफ इंडाइसिस कहता है अपॉन बी रेस टू माइनस एम यदि दिया गया है तो इसको ही हम पॉजिटिव इंडाइसिस में किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे दैट इज़ बी अपॉन ए रेस्ट टू एम यानी यहाँ पे जो इंडेक्स है उसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन दिया गया था इसको हमने उसका रेसिप्रोकल राइट डाउन कर लिया उसी प्रकार से हम इसको राइट डाउन करेंगे इक्वल टू इसको पॉजिटिव इंडाइसिस राइट डाउन करने थे इसलिए इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा दैट इज सेवन अपॉन टू रेस्ट टू टू सेकंड एग्जांपल इलेवन अपॉन थ्री रेस टू माइनस फाइव यहाँ पर भी जो माइनस फाइव इंडेक्स है उसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे ये जो रैशनल नंबर है ये जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल दैट इज़ थ्री अपॉन इलेवन रेस टू फाइव अभी ये पॉजिटिव इंडेक्स बन गया नेक्स्ट है वन अपॉन सिक्स रेस टू माइनस थ्री अभी यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स है उसको हमें पॉजिटिव बनाना है इक्वल टू सिक्स अपॉन वन रेस टू थ्री तो यहाँ पे जो नंबर था इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया इक्वल टू सिक्स अपॉन वन का क्यूब इसका ही मतलब क्या होता है सिक्स का क्यूब नेक्स्ट है वाई रेस टू माइनस फोर इक्वल टू अभी यहाँ पे भी जो इंडेक्स दिया गया है वो निगेटिव है इसको हमें पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे बन जाएगा वन अपॉन वाई रेस टू फोर इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं होल ब्रैकेट का भी रेस टू फोर कर सकते हैं इस प्रकार से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं वन अपॉन ऑन वाई रेस टू फोर या इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं वन अपॉन ऑन वाई रेस टू फोर इस प्रकार से यहाँ पे ये यह प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी नाइन हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो